देखिए क्वेश्चन है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है और वह निम्नलिखित में से कौन है? तो बताना है आपके सामने, ऑप्शन है क्या वो मदरबोर्ड है, या फिर वो कोऑर्डिनेशन बोर्ड है, या कंट्रोल यूनिट है, या फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट है जो सभी को कोऑर्डिनेट करके रखता है। ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यूनिट। फिर एक कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने, चिन्ह को, संख्याओं को, या फिर दी गई सूचनाओं को, या चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को, किसे कहेंगे हम? तो इसका सही जवाब होगा चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को कहेंगे। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डेटा को, ऑप्शन बी संख्याओं को, ऑप्शन सी चिन्ह को, या ऑप्शन डी एकत्रित डेटा को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एकत्रित डेटा को हम सूचना कहेंगे। निम्न में से सीपीयू का भाग नहीं है। देखिए नहीं है बोला गया, तो आपको देखना होगा कि सीपीयू का भाग कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए है कीबोर्ड, ऑप्शन बी है प्रिंटर, ऑप्शन सी है टेप, ऑप्शन डी है ALU। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ALU ये सीपीयू का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ADP क्या है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा पार्ट, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा पर्सनल, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा प्रोसेसिंग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा प्रोसेसिंग ADP का पूरा नाम है। कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? सीपीयू क्या होता है? ऑप्शन ए है कवर प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, या ऑप्शन सी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका सही जवाब होगा। डैश 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 एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। ऑप्शन ए है प्रोसेसर, ऑप्शन बी है कंप्यूटर, ऑप्शन सी है केस, या ऑप्शन डी है स्टाइलस। तो इसका आंसर होगा प्रोसेसर। जी हाँ, एक होता है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश डैश इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो क्या जवाब होगा इसका? क्या नंबर है, या प्रोसेसर है, या इनपुट है, या डेटा है? देखिए ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत ही इजी है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी इसका सही जवाब है, डेटा। ATM होते हैं, ऑप्शन है बैंकों की शाखाएं, बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, या बिना स्टाफ के नकदी देने वाला, या ऑप्शन डी ये सभी। तो ये बहुत ही सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा बिना स्टाफ के नकदी देने वाले। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है?
आपको बताना है डेटा प्रोसेसिंग से आप क्या समझती है। तो चार ऑप्शन है, पहला है डेटा का संग्रह, दूसरा है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, तीसरा है गणना कार्य करना, या फिर ऑप्शन डी है वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो डेटा प्रोसेसिंग, डेटा से आप समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्य के उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ऑप्शन नंबर डी। ALU का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी अर्थमेटिक लार्ज यूनिट, ऑप्शन सी अर्थमेटिक लॉन्ग यूनिट, या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर ए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका सही जवाब होगा, पूरा नाम होगा ALU का। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है, ऑप्शन ए है आंकिक कार्य, ऑप्शन बी है तार्किक कार्य, ऑप्शन सी है डेटा संग्रहण, या ऑप्शन डी है उपयोग सभी। तो आपको ऑप्शन से ही समझ में आ रहा होगा यहाँ कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये आंकिक कार्य भी करता है, तार्किक कार्य भी करता है, और डेटा संग्रहण यानी स्टोर भी करता है। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। VDU एवं कीबोर्ड संपर्क के साथ संपर्क स्थापित करता है, कौन स्थापित करेगा? तो इसके लिए ऑप्शन ए है प्रिंटर, ऑप्शन बी है माउस, ऑप्शन सी है CPU, या ऑप्शन डी है टर्मिनल। तो इसका सही जवाब होगा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, किस सिद्धांत पे कंप्यूटर कार्य करता है? तो ऑप्शन ए है इनपुट, ऑप्शन बी है आउटपुट, या ऑप्शन सी है प्रोसेस, और लास्ट है उपयोग सभी। तो आपको बताना है कि इसका जो मेन प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो क्या है। तो ये जो सिद्धांत पे कार्य करता है वो प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी। प्रोसेस डेटा को कहते हैं, तो क्या कहेंगे? ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी प्रोसेस, या फिर ये तीनों चीज़ें कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयोग सभी। तो जो प्रोसेस करने के बाद जो डेटा होता है तो वो कहलाएगा आउटपुट। CPU के कार्य हैं, वो कौन कौन से कार्य हैं जो CPU करता है? तो ऑप्शन ए है इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी है डेटा तत्कालिक रूप से स्टोर करना, ऑप्शन सी है निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, या फिर उपयोग सभी यानी ऑप्शन डी। तो इसका सही जवाब देखिए, आई थिंक बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन भी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा उपयोग सभी, क्योंकि ये सभी कार्य करता है, प्रोसेस भी और स्टोर भी और आउटपुट देना और आउटपुट इनपुट डिवाइस को नियंत्रित यानी कंट्रोल करना। डैश 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 कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। तो ऑप्शन ए है डेटा, ऑप्शन बी है मेमोरी, ऑप्शन सी है आउटपुट, या ऑप्शन डी है इनपुट। तो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया डेटा जो परिणाम होता है, तो परिणाम यानी आउटपुट यानी रिजल्ट। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी आउटपुट। डैश डैश कच्चे तथ्य यानी रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि डैश डैश से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो आपको बताना है कि ये जो स्पेस है दो जगह, यहाँ पे इन स्थानों पर क्या आएगा? ऑप्शन ए है सूचना रिपोर्टिंग, ऑप्शन बी है डाटा सूचना, ऑप्शन सी है सूचना बिट, या ऑप्शन डी है रिकॉर्ड बिट।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डाटा और सूचना इसका सही जवाब होगा। शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्ररूप में समझ सकते हैं, उसे डैश डैश के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जानेंगे? ऑप्शन ए है डिवाइस ड्राइवर्स, ऑप्शन बी है डिवाइस रीडर्स, ऑप्शन सी है इनपुट डिवाइसेस या ऑप्शन डी है आउटपुट डिवाइसेस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इनपुट डिवाइसेस इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है ALU, ऑप्शन बी है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी है मेमोरी यूनिट या ऑप्शन डी है सेकेंडरी स्टोरेज। तो इसका सही जवाब होगा, चूंकि नियंत्रित करता है क्वेश्चन कह रहा तो ये करेगा कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट इसका सही जवाब होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं, तो कौन कौन से मुख्य भाग होंगे प्रोसेसर के? ऑप्शन ए है ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, या ऑप्शन बी है ALU, कंट्रोल यूनिट और रैम, या ऑप्शन सी है कैश, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, या ऑप्शन डी है कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर और रैम। तो यहाँ पे कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर और ALU, तो ये इसके मुख्य भाग होंगे प्रोसेसर के। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, GIGO शब्द किससे संबद्ध है, किससे संबंधित है आपको बताना है। तो ये एक पैमाना है और ये पैमाना है एक्यूरेसी का, ये संबंधित है किससे? एक्यूरेसी से। देखते हैं अगला क्वेश्चन, CPU की कंट्रोल यूनिट के क्या कार्य हैं, CPU की कंट्रोल यूनिट के क्या कार्य हैं? चलिए, ये ऑप्शन लंबे हैं इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर में लेके चलूँगा कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर आप ध्यान रखिए, CPU की जो कंट्रोल यूनिट है उसका कार्य है लॉजिकल ऑपरेशनल परफॉर्म करना। जो लॉजिकल परफॉर्मेंस है या जो लॉजिकल ऑपरेशंस है इनको ऑपरेट करना, परफॉर्म करना है, ये कंट्रोल यूनिट का कार्य है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गणना यंत्र, तो प्रथम गणना यंत्र डिफरेंट इंजन है, अवेकस है, कैलकुलेटर है या पास्कल है? तो इसका सही जवाब होगा डिफरेंट इंजन, डिफरेंट इंजन। ये प्रथम जो गणना का यंत्र था वो था डिफरेंट इंजन। उसके बाद है, डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जा सकता है? ये बोल रहा है कि अगर डिजिटल घड़ी है तो उसमें किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है, क्योंकि जो डिजिटल घड़ी है वो भी एक कंप्यूटर से कम नहीं है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेनफ्रेम कंप्यूटर्स, ऑप्शन बी है मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सी है सुपर कंप्यूटर या ऑप्शन डी है माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी मिनी कंप्यूटर। जो डिजिटल वॉच है, डिजिटल घड़ी है, उसे हम मिनी कंप्यूटर भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर कंप्यूटर बंद होने पर डैश डैश के कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। कंप्यूटर बंद होता है, लाइट गोल होती है, तो कौन सी ड्राइव में जो डेटा है वो मिट जाएगा? तो उसके चार ऑप्शन हैं, हार्ड डिस्क के, इनपुट के, पास्कल के या मुख्य मेमोरी के। तो इसका सही जवाब होगा हार्ड डिस्क के, हार्ड डिस्क का जो डेटा है वो मिट जाएगा। और अगर परमानेंट
वो डेटा स्टोर हो जाता है, तो फिर लाइट गोल होने के बाद भी या कंप्यूटर बंद होने के बाद भी वो नहीं मिटता। तो यहाँ तो खैर इसका सही जवाब हो जाएगा हार्ड डिस्क। उसके बाद है डैश डैश गेम खेलना आसान हो जाता है। आपके पास ऑप्शन है माउस, लाइट पेन, कीबोर्ड और जॉयस्टिक। तो यहाँ पे आंसर होगा डी, जॉयस्टिक्स। इससे गेम खेलने में सुविधा होती है और ये इनपुट डिवाइस है। वैसे ये सारी इनपुट डिवाइस है, माउस भी, लाइट भी, पेन भी, कीबोर्ड भी। तो ये गेम खेलना इससे आसान होता है। फिर MICR का पूर्ण रूप क्या है? MICR का पूरा नाम, तो मैं यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर है, जो सही नाम है, डायरेक्ट उसी पे लेके चलता हूँ। तो इसका सही नाम है मैग्नेटिक लिंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक लिंक कैरेक्टर रीडर। फिर एक कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर, तो कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे वो कौन सा ऑप्शन आएगा आपको देखना है। केवल मशीन की भाषा समझता है, या फिर मशीन की भाषा नहीं समझता, या फिर ऑप्शन सी है मशीनी और उच्च स्तरीय भाषा समझता है, या ऑप्शन डी है केवल उच्च स्तरीय भाषा समझता है। तो कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर है वो केवल मशीन की भाषा समझेगा, वो केवल मशीन की भाषा समझेगा। और जो हमारी भाषा है, जो मानव की भाषा है, तो वो हम अपनी भाषा में इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, तो वो फिर कन्वर्ट होता है किसमें, मशीनी भाषा में। और जो माइक्रो प्रोसेसर है वो तो मशीनी भाषा समझता है, इसलिए ये कन्वर्ट होते हैं हमारी जो लैंग्वेज है मशीनी भाषा में। फिर है प्लॉटर क्या है? प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, आपने सुना होगा। चलिए इसका तो मैंने आंसर भी बता ही दिया, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग बेहतर क्वालिटी के ग्राफिक्स तैयार करने में होता है, या फिर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग ड्राइंग एवं ग्राफिक्स तैयार करने में होता है, या फिर ऑप्शन सी एक तीव्र गति वाली आउटपुट डिवाइस है जिसमें कैमरे के लेंस का प्रयोग होता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आउटपुट डिवाइस है और इससे प्रिंट आउट निकलता है। जैसे जो प्रिंट है, प्रिंटर है, तो ये प्रिंटर का बड़ा रूप है प्लाटर। इससे बड़े साइज में पोस्टर, बैनर्स, ये आउटपुट के रूप में, ग्राफिक्स के रूप में ये तैयार किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य, ऑप्शन ए है कंप्यूटर तथा यूज़र के मध्य संवाद स्थापित करना, या ऑप्शन बी है यूज़र द्वारा दिए गए प्रोग्रामों को पूरा करना, या ऑप्शन सी कंप्यूटर के सभी उपकरणों को नियंत्रण में रखना, या ऑप्शन डी उपयोग सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यूजर द्वारा दिए गए प्रोग्रामों को पूरा करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख कार्य होता है। इसका जवाब है ऑप्शन बी। उसके बाद है निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ये यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा हार्डवेयर नहीं है। पंच कार्ड रीडर, मैग्नेटिक टेप रीडर, प्रिंटर, या फिर असेंबलर। तो यहाँ पे जो हार्डवेयर नहीं है यानी वो सॉफ्टवेयर होगा, तो ये असेंबलर जो है, ये भाषा कन्वर्टर का कार्य करता है, ये असेंबलर, ये है
इसका सही जवाब, यानी ये हार्डवेयर नहीं है। फिर कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को डैश डैश कहते हैं। तो क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इम्यूनवेयर या प्रोग्रामर? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सॉफ्टवेयर। जो कंट्रोल, कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन है, उस सभी प्रोग्रामों को कहेंगे हम सॉफ्टवेयर। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। आपको बताना है कि कौन एक समय में केवल एक कथन को कन्वर्ट या एग्जीक्यूट करता है। तो वो क्या, कन्वर्टर है, कंपाइलर है, इंस्ट्रक्टर है या इंटरप्रेटर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। जो इंटरप्रेटर है वो एक समय में एक कथन को कन्वर्ट या एग्जीक्यूट करने का कार्य करता है, ऑप्शन डी, इंटरप्रेटर। फिर है कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए डैश डैश नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है, ये तो शायद मिस हो गया है यहाँ पे, ये यहाँ तक है। तो आपको बताना है कि गणना करने के लिए और स्टोर करने के लिए डेटा किस फॉर्म में डेटा स्टोर करता है और प्रोसेस करता है। तो डेसिमल के रूप में, बाइनरी के रूप में, ऑक्टल के रूप में या हेक्सा डेसिमल के रूप में? तो ये भी सीरीज का सबसे इजी क्वेश्चन है। तो ये इसका जवाब है ऑप्शन बी, बाइनरी। बाइनरी यानी ज़ीरो और वन, ज़ीरो और वन के रूप में ये कार्य करता है। फिर है मल्टीमीडिया के अंतर्गत डैश डैश ध्वनि, ग्राफिक तथा एनिमेशन का साथ साथ संपादन होता है। ऑप्शन ए है व्याकरण, ऑप्शन बी है ड्राइंग, ऑप्शन सी है शब्द या ऑप्शन डी है मानचित्र। तो आप एक बार क्वेश्चन और बोल देता हूँ, शायद डिफ़िकल्ट हो ये आपके लिए। मल्टीमीडिया के अंतर्गत डैश डैश ध्वनि, ग्राफिक्स तथा एनिमेशन का साथ साथ संपादन होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ड्राइंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देश का प्रथम साक्षर जिला कौन सा है? ये साउथ के जिले हैं। तो पहला है अर्नाकुलम, दूसरा है विफुल्लीपुरम, तीसरा है थिरुवल्लूर और फिर चौथा ऑप्शन डी है मल्लपुरम यानी केरल। तो इसका सही जवाब होगा, जो देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जो जिला है वो है मल्लपुरम यानी केरल में। ये ऑप्शन भी यहाँ हाईलाइट हो रहा है क्योंकि केरल में ब्रैकेट में केरल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में, या ऑप्शन बी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में, या ऑप्शन सी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर, या ऑप्शन डी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। तो जो भारत का पहला कंप्यूटर जो स्थापित किया गया था वो किया गया था कलकत्ता में, यानी ऑप्शन डी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। फिर है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। तो डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होगा? डाटा संग्रहण से डाटा को सजाना, डाटा को उपयोगी बनाना या उपयुक्त सभी। तो जो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है कि डाटा को
उपयोगी बनाना, उपयोग करने लायक बनाना, ऑप्शन नंबर सी। फिर चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है, जो चिन्हात्मक डेटा होता है उसमें क्या प्रयोग करना होता है, क्या प्रयोग किया जाता है आपको बताना है, अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का या उपयुक्त सभी का, ये तीनों सभी का उपयोग होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी का। इसमें अंकों का भी होगा, अक्षरों का भी होगा और चिन्हों का भी होगा, उपयुक्त सभी। फिर कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाएंगे हम कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 1 जनवरी को या 22 जनवरी को? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी 2 दिसंबर को मनाया जाएगा कंप्यूटर साक्षरता दिवस। फिर है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर कहाँ पे होंगे? तो इसका ऑप्शन है भारत, रूस, जापान या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटिव ये सारे देश हैं और सबसे ज़्यादा कंप्यूटर वाला जो देश है वो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन डी। फिर एक कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है, तो कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना है या कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना या फिर कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना या कंप्यूटर की कार्यप्रणाली जानना? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। फिर है विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया, जो सबसे पहले जो सुपर कंप्यूटर था उसका निर्माण किसने किया, IBM ने, HCL, ये HCL है, HCL ने, CRC ने या CTEC ने? तो यहाँ पर है इसका सही जवाब ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये इसने निर्माण किया था सबसे पहले। अब है निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो आपको बताना है ये 4 में से ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसे डेवलप किया था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने, परम पदम, फ्लो सॉल्वर, चिप्स, अनुपम। देखिए नाम भी कितने यूनिक है, चिप्स, अनुपम। तो इसका जवाब आई थिंक पता होगा आपको, अनुपम। बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी भारत के लिए, तो अनुपम को डेवलप किया गया था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा। उसके बाद है डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया, तो जो डिजिटल कंप्यूटर था उसे किसने विकसित किया गया, यहाँ पे बात हो रही है। तो रूस द्वारा, ब्रिटेन द्वारा, US द्वारा या जापान द्वारा? तो जो डिजिटल कंप्यूटर है वो डेवलप किया गया था USA द्वारा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।